हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एडर ट्वेंटी फोर सेवन माई सेल फर्सवीत का ई ऑफ फिजिक्स एजुकेटर सो हमें पता है दैट फिजिक्स का एग्जाम आने वाला है उससे पहले मैम अभी इंग्लिश और केमिस्ट्री का एग्जाम पढ़ा है मैम बट फिर भी हमें फ़िजिक्स के एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है मुझे पता है यार आई कैन है ना फील दैट कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है क्योंकि यार हम लोगों का दिल का कनेक्शन है ना यार तो जो तुम्हें टेंशन होती है ना वो मैम को ऑलरेडी पता चल जाता है तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स की टेंशन हो रही थी तुमने सारा साल थ्योरी पढ़ ली कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तुमको ये प्रॉब्लम आती है कि न्यूमेरिकल नहीं होते हैं सॉल्व यार जो मर्जी पढ़ लो मैम जितना मर्जी रिवाइज कर लो फिर भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं कहीं ना कहीं बेटा अप्रोच में प्रॉब्लम आ रही होगी कहीं ना कहीं मैं हमेशा जितने भी मुझे मेल जाते हैं मैं हमेशा एक ही चीज़ पे आपको है ना रिवर्ट बैक करती हूँ हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है आपको नुमेरिकल समझने में प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है और एंड आंसर तक पहुंचना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें बेलाइकन को प्रेस जरूर से कीजिए क्योंकि आपके लिए मैम लेकर आ रही है महामैराथन जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना दस फेबर को बारह बजे से ये महामैराथन फिजिक्स का स्टार्ट हो जाएगा और लॉट ऑफ दिस मैराथन। एक वीडियो में हम फिजिक्स की नैया को पार करने वाले हैं सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड इवेंट है ना एंड यहाँ पर बेटा आप इस इवेंट uh, का रिमाइंडर जरूर सेट कीजिए और लाइक बटन पर जरूर से हिट कीजिए ताकि मैं भी तो जान सकू कि कि कितने बच्चे इस इवेंट का वेट कर रहे हैं ठीक है तो uh, जुड़िएगा जरूर और अब आगे चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वट शुड बी द अप्रोच आपको क्या अप्रोच लगानी है पहला स्टेप आपके सामने पेपर में न्यूमेरिकल आया सपोज आप उसको रीड करना स्टार्ट हुए आपने उसको एक बार रीड किया आपको नहीं समझ में आया आपको घबरा नहीं जाना टेंशन नहीं लेनी है रीड इट ट्वाइस और ऑलवेज एक चीज मेरी दिमाग में ना फीड कर लो एक सांस बड़ी सी भर के न्यूमेरिकल को रीड नहीं करते यार है ना छोटी छोटी सांसों में रीड करते हैं यानी कि ब्रेक करके न्यूमेरिकल को पढ़ी जहाँ पे कॉमा लिखा है जहाँ पे फुल स्टॉप लिखा है वो मैनेडेटरी होता है बेटा ऐसा नहीं कि एक पूरी लाइन को एज इट इज एकदम साथ से पढ़ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हम समझ नहीं आ रहा है तो समझ आएगा भी नहीं ठीक है जहाँ पे पॉजेज हैं मैनेडेटरी पॉजेज है, लीजिए कॉमाज हैं कॉमा की जगह रुकी समझने की कोशिश कीजिए ब्रेक करके पढ़िए कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए व्हेन आई से कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए इट मींस व्हाट लेट्स सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसमें आपको टॉक दिखाई दे रहा है ना कि टॉक के बारे में पूछा गया तो टॉर्क इज अ की वर्ड इसको हाईलाइट कर लो है ना इसको अंडरलाइन uh, कर लो चाहे है ना टॉक को हाईलाइट करो उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट uh, रीड कर लेते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को तो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि आप दो बार एटलीस्ट रीड करें क्योंकि फर्स्ट बार आप जब रीड करते हैं ना तो आपका माइंड जो आपको समझाना चाहता है आप वही समझ जाते हैं कई बार वो चीज़ पूछी नहीं होती है तो एटलीस्ट टू टाइम्स रीड कीजिए उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हाईलाइट करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स योर नेक्स्ट स्टेप विल बी वॉट आइडेंटिफाई द चैप्टर कौन से चैप्टर का न्यूमेरिकल है रेयरली चांसेस ऐसे होते हैं कि दो चैप्टर्स का मिक्स करके नुमेकल आपको पूछ लिया जाता है लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम्स का हो सकता है मिक्स आपके पास क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोसेटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मिक्स एक क्वेश्चन बन जाए क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा सेकंड चैप्टर से पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा तो चांसेस आर वेरी लेस कि मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि मिक्स चैप्टर से क्वेश्चन है तो चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो देन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करो याद करने की कोशिश करो कि ये कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज आपने पढ़ रखे हैं लेट्स सपोज मैं अगर बात करती हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर नो आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आपने दो तीन रिश्ते पढ़ रखे हैं करंट के साथ रिश्ता वी डी ई एन ए है ना देन वेलोसिटी का एक और अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम है ना मास के साथ एक रिश्ता होता है तो जितने भी दो तीन रिश्ते हैं उनको लिखो पेपर में और फिर रूल आउट करो कि यार इस क्वेश्चन में हमें किस किस चीज़ की वैल्यूज गिवन है यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है ये रहा एक बड़ा किस्सा जो आप खत्म कर चुके होंगे आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूला को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसके बाद का सिलसिला जो भी है बेटा वो मैथमेटिक्स के साथ खेलने का सिलसिला है यानी कि मैथ्स के साथ खेलने का सिलसिला है यानी कि आपने जब उसमें वैल्यूज को सब्सिट्यूट किया तो आपको एक बात का ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दैट यू नीड टू कन्वर्ट ऑल द क्वांटिटीज इनटू एसआई यूनिट्स यूनिट्स SI में कन्वर्ट करके ही उसको सब्सिट्यूट करके सॉल्व करना स्टार्ट करें अगर आप यूनिट्स SI में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो फिर आंसर सही नहीं आएगा और अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है फिर तो बिल्कुल ही डूब जाएगा है ना कोई भी ऑप्शन आप सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आपको और ज्यादा डिप्रेशन आएगा तो सबसे पहला स्टेप जब आप रीड ही कर रहे होंगे ना तभी आप आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये क्वांटिटी एसआई यूनिट में नहीं है कन्वर्टेड इनटू एसआई ऐसा यूनिट हाथों हाथ एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो और कुछ पर्टिकुलरली ऐसे केसेस होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप रफ डायग्राम्स बना सकते हैं अगर मैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करूं तो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आ, आपके पास डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एम एफ की डायरेक्शन पूछ ली जाती है तो उस केस में वॉट यू नीड टू डू इज आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है अगर आप रफ डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि क्या चीजें पूछी गई हैं है ना हमेशा हम ये रिकमेंड करते हैं कि फॉर्म में में अगर हमको समझा दिया जाए तो हमको बड़ा मजे से समझ में आता है। आप इवन की इस थंबनेल को भी देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ इसको हम इस वीडियो को देख के हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे तो आप क्लिक करने का मन किया होगा आपका और आप आए और आपने न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई करना उसको सॉल्व करना तरीका सीखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइंड क्या सिग्नल देता है बेटा कि पिक्टोरियल फॉर्म में अगर कुछ बन जाए ना पिक्चर के फॉर्म में अगर हम इसको कुछ रिप्रेजेंट कर सकें तो हम ज्यादा इजिली सॉल्व कर पाएंगे तो जहां डायग्राम बनता है वहां डायग्राम बनाइए फिर कैलकुलेशन करने के बाद बेटा फाइनली जब आप आंसर लिखते हैं उसको एक डब्बे में डाल के ऐसा SI यूनिट साथ में जरूर मेंशन करें क्योंकि इतना सब तामझाम करने के बाद भी अगर आपने ऐसा यूनिट मेंशन नहीं किया होगा तो फजूल का आधा नंबर कट जाएगा और आई डोंट वांट कि किसी भी बच्चे का आधा नंबर भी कटे सो so, इन स्टेप्स को फॉलो करो फॉर श्योर बेटा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा दूसरी बात ये तो अप्रोच रही रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ये मैनिडेटरी है बेटा इसके बिना नोमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं आपके पास हर एक चैप्टर का फॉर्मूला शीट्स एंड रिकॉल नोट्स जिस चैप्टर में फॉर्मूला शीट्स रिक्वायर्ड है उसमें फॉर्मूला शीट्स जिस चैप्टर में आपको लगता है रिकॉल नोट्स रिक्वायर्ड है यानी कि जिसमें थ्योरी के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसमें रिकॉल नोट्स ये बनाने जरूरी है ठीक है अब आ, संकल्पियंस को मैंने रिकॉल नोट्स बुक नंबर टू के पूरे दे दिए बुक नंबर वन के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के दे दिए बाकी चैप्टर के भी अलाइंट है विद इन नेक्स्ट वीक आई विल बी गिविंग यू ऑल ठीक है बाकी जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ लगातार मैंने यशस्वी बैच में भी बेटा फॉर्मूला शीट आपको बनवाया था फर्स्ट चैप्टर का ठीक है तो इस तरीके के छोटे छोटे सेशंस में आपके प्लान करती रहूंगी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कल वाला जो मैराथन वाला ये सेशन आने वाला है इसमें भी हम किस अप्रोच से चले चलो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आप चाहते हैं कि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप नोमेरिकल्स पढ़ना चाहते हैं देखो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क से बेटा रिप्लाई देना ऐसे नहीं कि यार मैम फर्स्ट टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक मैम सब कुछ करवा दो तो बेटा वो जो सारा साल में होता है वो एक मैराथन में किस तरीके से होगा आप किस तरीके से चाहते हैं कि मैम मैराथन में पढ़ाएं आपको डिटेल में पूरी डेरेवेशंस करनी है आपको क्वेश्चन करने हैं आपको रिकॉल नोट्स के साथ बढ़ना है तो आप अपना अप्रोच जो आप चाहते हैं कि मैराथन में हो उसको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से बताएं ठीक है

अब पिछले पाँच या छः साल के पेपर उठा लो उसके ऊपर बेस्ड मैंने सीरीज़ ली है यहाँ पे जुनून सीरीज है ना जिसमें मैं लगातार क्लासेस लेती आ रही हूँ ये देखो अगर हम बैक जाए है ना और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाए दिस इज द सीरीज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज़ जुनून सीरीज बेटा इस जुनून सीरीज़ में मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर जहाँ पे एन सी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे एन सी करवाए हैं जहां पे एनसीईआरटी हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है जहां पे मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे चलना चाहिए था वहां पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस कराया तो मैंने इसमें ये देखो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए इस प्ले को फॉलो करो पहले तो सेव कर लेना ठीक है फॉलो दिस प्ले जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना बुक्स खरीदना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने इस सीरीज में कवर करवाए हैं आपको बिल्कुल फ्री में है बेटा गो एंड फॉलो दिस सो so, इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए मैम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाती है ठीक है अगर हम हम कल मैराथन में, में भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा मैम का पेपर नहीं है तुम्हारा पेपर है तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर मैं कोई कैलकुलेशन तुमको बोल रही हूँ पेपर में जो आने वाला है वो अभी ट्राई करके देखो इट मीन्स दैट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आपको अभी उसके ऊपर काम करना है अगर आप अभी काम करेंगे तो आपको पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी कभी बहुत टफ काइंड की कैलकुलेशन हम पेपर में फेस करते हैं और वो हमसे सॉल्व नहीं होती हम उसको लीव कराते हैं अगर वही चीज़ें हम अभी करें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पैटर्न रहता है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप उसी के पैटर्न के बेस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं देखो इररिलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अगर रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यू विल रियलाइज की आपके न्यूमेरिकल्स जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे आपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू नीट पॉइंट ऑफ व्यू सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे होंगे बेटा बट दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स जो रहते हैं वो अलग किस्म के रहते हैं नीट में अलग किस्म की अप्रोच रहती है नीट में जो एक क्वेश्चन है वो चार मार्क्स का, so, का है तो उसकी अप्रोच डिफरेंट है वैसा नुमेरिकल थोड़ी आ जाएगा डिट्टो तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं कुछ भी रेंडमली प्रैक्टिस करना मत स्टार्ट करो और परेशान मत हो कि यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा शायद वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट ही नहीं है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो सो फॉलो मी ऑन दिस चैनल जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम्स वंस इट विल बी डन वी विल बी शिफ्टिंग टू द कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम देन सी की बात करेंगे देन नीट की बात करेंगे देन उसके बाद की, की बात करेंगे ना बेटा अभी आपका मेन टारगेट बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है अगर बोर्ड एग्जाम क्रैक नहीं हो तो बाकी एग्जाम क्रैक करके फायदा क्या है एडमिशन नहीं मिलेगी क्राइटेरिया तो यही कहता है ना बारहवीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है बारहवीं तो पास करनी पड़ेगी ना और बारहवीं अच्छे नंबरों से पास करनी है हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इस पे, है इस पर ठीक है सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं और उनको एंड तक सॉल्व करना है ऊपर ऊपर से पढ़कर नहीं छोड़ देना फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स अगर एमसीक्यू के लिए बात करें एलिमिनेशन मेथड सीखो अगर तीन से चार आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से आपको क्लिक करता है कि यार ये बिल्कुल नहीं हो सकता या ये वाला हो सकता है वो मन की आवाज़ सुनो है ना ऐसा नहीं कि हर बार सुनो बोर्ड एग्जाम्स में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता वी नो दैट एक एडवांटेज रहता है बट स्टिल बेटा आर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन ट्रिक्स है ना जो आप फॉलो कर सकते हो जिसमें हम डेसिमल शिफ्टिंग कहते हैं जिसमें हम अगर सिंपल बात करें आप किसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन uh, को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करते हैं सो so, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने uh, आइडेंटिफाई कर लिया चैप्टर कौन सा है कॉन्सेप्ट कौन सा है फॉर्मूला कौन सा है फिर कैलकुलेशन में अट जाऊंगे और फिर अल्टीमेटली विल से दैट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता सो so, इससे बाहर निकलो पहले तो इस एटीट्यूड को बदलो कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता होता है क्यों नहीं होता भाई होगा ऐसा नहीं बोलना कि न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होता होगा तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आओ क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है वो एक जो बैठ चुका है ना दिमाग में कि हम सब पढ़ चुके हैं बट नुमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा तो सब नहीं पढ़ा है फिर बेटा अगर जिसने सब पढ़ा होता है उससे नुमेरिकल सॉल्व होता है अगर तुमने कोई चीज़ पढ़ी तुमने कोई क्वेश्चन ट्राई किया वो सॉल्व नहीं हो रहा तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रीड करो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ो उसके बारीकी में जाओ तुम क्या करते हो ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ लेते हो और फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए बैठ जाते नहीं हो नहीं सॉल्व होगा जब तक तुम्हें डेप्थ नॉलेज नहीं होगी नहीं सॉल्व होगा तो अगर अभी भी बेटा यू हैव अ चांस है ना मैम इज कमिंग लाइव टुमारो ट्वेल्व पी पीएम शुरू से शुरुआत करेंगे फिजिक्स की महा मैराथन लेकर आ रही हूँ बहुत एनर्जी लगेगी है ना इवन uh, मैं सच बता रही हूँ आपके साथ मैं अपनी कोर आर्मी के साथ झूठ नहीं बोलती मैं पिछले तीन से चार दिन से हर पॉसिबिलिटी रूल आउट करके ये चीज़ निकाल रही हूँ कि मुझे इस तरीके से चलना है इस तरीके से करवाना है बच्चों को ऐसे करवाना है वैसे करवाना है मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम थोड़ा पड़ जाएगा बेटा बट मैं जो तुम्हें चीज़ें करवाना चाहती हूँ ना वो अनलिमिटेड हैं सो कम इन दिस मैराथन एंड स्टे टिल द एंड इफ यू हैव गट्स इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट यू कैन प्रूव इट कि अगर सारा साल भी कुछ नहीं पड़ा है अभी भी अगर हम मैम के साथ शुरू से लेकर एंड तक जुड़ेंगे हम फिज़िक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं अब मैं देख रही थी काफ़ी सारे बच्चे लिख रहे थे हमारा फेयरवेल है हमारा ये है हमारा वो है बेटा फेयरवेल तो तभी मनाऊँगे ना जब पास होंगे अच्छे नंबर से पास होना ज़रूरी है ना नंबर अच्छे लाना ज़रूरी है ना पार्टी में जाकर एक घंटा या दो घंटे बाद आ जाऊँगे और मैराथन में आ जाऊँगे अटेंड कर लेंगे तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू फेयरवेल में क्या है थोड़ा नाच लोगे गा लोगे ना खा पी पियाओगे बट जब पेपर आएगा बेटा तो फिर वही फेयरवेल में जाने का अफसोस होगा सो so, प्रैक्टिकली सोचो कभी कभी जिंदगी में प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है सबको छोड़ छाड़ के मैं मैं नहीं अपने माँ बाप को छोड़कर बैठी यहाँ पर माय मदर एंड फादर आर लिविंग इन चंडीगढ़ आई एम इन गुड़गांव मेरा भी मन करता है मैं घर जाऊँ है ना कितने सारे फंक्शन आते हैं मेरी कज़न की मैरिज है है ना कितने सारे फंक्शन आते हैं मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ बेटा उन चीज़ों को जस्ट फॉर यू येस जस्ट फॉर यू तुम लोगों के कारण तो ये चीज़ें तुम्हें अपने प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी बेटा इस टाइम प्रायोरिटी पढ़ाई है और कुछ भी नहीं है मम्मी पापा जो काम बोल रहे हैं उनको सीधा बोल दो अगर आपको नंबर चाहिए मार्क्स चाहिए मेरा करियर चाहिए तो मुझे अभी नहीं बुलाना मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ शुरू से जुड़ना एंड तक जुड़े रहना मैम आपके सामने खड़ी होगी मैम पूरा एफर्ट डालेगी यार तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के बट अब तुमने तय करना है कि क्या तुम एंड तक रुकोगे या नहीं सेशन को रिमाइंडर जरूर से सेट कर लो सेशन का अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड 500 का लाइक्स टारगेट दिया था बेटा कंप्लीटेड जब मैम मैदान में आ रही है ना महामैराथन के लिए तो उससे पहले 500 लाइक तुमको पूरे कराने तुम्हारी जिम्मेदारी है वो ठीक है इसके अलावा बेटा इफ़ यू स्टिल वांट कि आप uh, संकल्प टू पॉइंट ओ में जाकर अपने अकॉर्डिंगली अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली यूनिट वाइज डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं सैम्पल पेपर्स का एक्सेस भी चाहते हैं यू वॉन्ट रिकॉल नोट्स एज वेल आप मेहनत नहीं करना चाहते आपको सब नोट्स वगैरह बने बनाए चाहिए तो आप इस बैच में रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई आर्मी एंड बेटा देन जब आप इस कोर्ड को यूज़ करते हैं तो ये जो कोर्स है वो फोर नाइन्टी नाइन का भी नहीं फोर सेवेंटी नाइन के आसपास पड़ता है तो यू कैन गो एन एंड रोल इन दिस ठीक है सो स्टेट ट्यून लव यू ऑल टेक केयर सी यू ऑल लाइव ठीक है वेरी सून एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ योर पार्टिसिपेशन इन महामैारथन मिलते हैं फिर महामैराथन में जल्द ही Love you all. Take care.